स्वागत है आपका ऑल इन वन रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। देखिए कितनी बढ़िया ये मिठाई है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और सर्दियों का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स की मिठाई खाना तो बनता ही है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी कि इस मिठाई को कैसे बनाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स मिठाई बनाने के लिए हमने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, अखरोट लिए हैं, खसखस ली है, किशमिश ली है और खजूर लिए हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे। सबसे पहले खसखस को भूनेंगे, इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। खसखस बहुत अच्छे से भुन गई है, अच्छे से क्रैक हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब लेंगे बादाम बारीक कटी हुई और इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। बादाम को 1-2 मिनट भूनने के बाद लेंगे काजू बारीक कटा हुआ, इसे भी चलाते हुए भूनेंगे। अब लेंगे अखरोट। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चला लेंगे इसे भी। अब लेंगे पिस्ता बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो इन्हें दरदरा भी पीस कर ले सकते हैं। गैस बंद कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब लेंगे मिक्सर का जार और इसमें खजूर डाल देंगे। खजूर के बीज हमने हटा लिए हैं, साथ में लेंगे किशमिश। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसी कढ़ाई में फिर से लेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब लेंगे खजूर जिसे हमने अभी ग्राइंड किया है। आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा घी और लिया है, ऊपर लगा लेंगे जिससे चिपके ना। और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। देखिए खजूर है तो बहुत ज्यादा चिपकता है, गैस को कम ही रखें। 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब लेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हैं, इन्हें खजूर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस बंद कर देंगे और बंद गैस में ही हमें ये प्रोसेस करनी है। देखिए हमने कढ़ाई को गैस से हटा दिया है। अब इसे चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करेंगे जिससे हम इसे हाथों से छू सकें। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए ड्राई फ्रूट्स मिश्रण को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये ठंडा हो गया है। और मैंने इसका अच्छे से रोल बना लिया है इस तरीके से। देखिए आप इसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। अब हम लेंगे खसखस और खसखस इसे अच्छे से चारों साइड लगा लेंगे। कहीं छूटना नहीं चाहिए।
देखिए अच्छे से इस प्रकार खसखस चिपक गई है आराम से। अब देखने में कितना बढ़िया लग रही है मिठाई। अब हम लेंगे सिल्वर फॉल और इसे अच्छे से रोल करेंगे। इसे अच्छे से एकदम गोल कर लेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर दिया है। अब इसके साइड बंद कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बीस मिनट बाद देखिए मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम इसे कट करेंगे। वाह देखने में कितनी सुंदर लग रही है। देखिए खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप इसे मोटा पतला जैसा भी आप इसे काटना चाहें वैसा आप कट कर सकते हैं। देखिए मिठाई के पीस हमने बना लिए हैं और देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इतने कम समय में इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप इसे इस सर्दी ज़रूर से बनाएं क्योंकि ड्राई फ्रूट मिठाई सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।